हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। इससे पहले की क्लास में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखे तो आप उन क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 3 में की 3.1 क्या दिया हुआ है, 3.1 पर एक स्टेटमेंट दी हुई है और वो स्टेटमेंट क्या है कि अकिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, कि अकिला एक मेले में गई अपने गांव में। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील, कि वो जायंट व्हील की जो बहुत बड़ा सा झूला होता है उस पर एक राइड लेना चाहती है। एंड प्ले हुपला, और हुपला खेलना चाहती है। हुपला क्या गेम है? ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन ए स्टॉल, कि एक स्टॉल पर कुछ आइटम रखे हुए हैं और आपको उन पर एक रिंग फेंकनी है। एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, अगर रिंग किसी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेती है, कि वो छल्ला सा जो होता है जब उसको ऐसे फेंकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है देन यू गेट इट, तो वो आपका होगा। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन द जायंट व्हील। इसका स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जितनी बार वो हुपला का गेम खेलती है वो हाफ है कि जितनी बार वो जायंट व्हील पर राइड लेती है। सिंपल, अगर वो 4 बार गेम खेलती है तो उसने राइड कितनी बार ली है? 2 बार। एंड इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, कि हर जायंट व्हील की राइड की कॉस्ट कितनी है? एक राइड की ₹3। एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला खेलने के गेम की कॉस्ट कितनी है एक बार की? ₹4। हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड सी हैड, तो आप ये कैसे फाइंड करोगे कि उसने कितनी बार राइड ली है, और एंड हाउ मेनी टाइम सी प्लेड हुपला, कि उसने कितनी बार हुपला का गेम खेला है। प्रोवाइडेड सी स्पेंट ₹20, कि ये हमें दिया हुआ है कि उसने कितने ₹20 खर्च किए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि द नंबर, सबसे पहले वो क्या करती है कि सी राइड ऑन जायंट व्हील, तो हम जायंट व्हील की राइड को मान लेंगे x। लेट राइड ऑन जायंट व्हील क्या होगा? लेट राइड ऑन जायंट व्हील बी x, एंड और लेट गेम ऑफ हुपला बी y, कि उसने जायंट व्हील की राइड को हमने मान लिया x और हुपला का गेम खेलने को मान लिया हमने y। तो पहली स्टेटमेंट में क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला, कि हुपला यानी y इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम सी राइड ऑन जायंट व्हील, की y x का हाफ है, कि पहली स्टेटमेंट क्या बनी y इज इक्वल टू 1/2x, कि द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम सी राइड ऑन जायंट व्हील। एंड इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, कि हमने राइड क्या मानी थी जायंट व्हील की x, तो वो कितनी कॉस्ट करती है? ₹3, कि तो मतलब क्या होगा 3x। और एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, हुपला गेम खेलने का क्या माना था हमने y, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू उसने कितने रुपए खर्च किए हैं टोटल 20। तो ये क्या है स्टेटमेंट 2। अब इनको हम सॉल्व करना ही इस चैप्टर में सीखेंगे कि y इक्वल टू 1/2x, की 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है, और तो y इक्वल टू 1/2x, क्योंकि द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ही राइड ऑन जायंट व्हील। तो फर्स्ट सेकंड
तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या है कि y इक्वल टू 1 बाई टू एक्स, तो हम y की जगह 1 बाई टू एक्स इसमें पुट कर देंगे, और y तो y की जगह क्या आएगा x 20, तो 2 टू जा 4, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 20, तो यहां से 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 बाई 5 यानी 5 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आई 4 और y की क्या वैल्यू आई 1 बाई 2 इंटू एक्स, 1 बाई 2 इंटू 4, 2 टू जा 4, तो y की कितनी वैल्यू आई 2 और x की कितनी आई 4। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें, आप इनकी हम इनको कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं वो ही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ग्राफिकल मेथड भी है, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशन किस तरीके की होंगी ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, कि जब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, अगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसी इक्वेशन के पेयर को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन है उनको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन है यानी इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट, कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, की बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड अगर लाइन द लाइन में इंटरसेक्ट इन सिंगल पॉइंट, की अगर ग्राफ पर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि एक दूसरे को कट करेंगी, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे उसमें क्या कंडीशन में क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन, और उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। द लाइंस मे बी पैरेलल, कि दोनों पैरेलल हैं ग्राफ में, कि कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसे उसमें क्या होगा कंडीशन में, नो सॉल्यूशन, और ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक की कई बार एक दूसरे को कट करेंगी, तो ऐसे उसमें क्या सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इनको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। तो ये तीन इक्वेशन दी हुई हैं, तो इसमें पहली इक्वेशन क्या है कि x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें सिंपल क्या करना है कि हम यहाँ से हम ये देखेंगे कि कोई इंटरसेक्टिंग लाइन को कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन के लिए इसमें क्या कंडीशन होगी। तो ये पहली इक्वेशन इन तीनों में हमें पहले ए वन एक्स के साथ जो वैल्यू है वो ए वन है, वाई के साथ जो वैल्यू है वो एक्स के साथ जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, और वाई के साथ जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है सी की वैल्यू। तो इसमें ए वन क्या है, ए वन एक्स यानी वन, और बी वन क्या है माइनस टू, और सी वन क्या है जीरो। सेकेंड इक्वेशन में ए टू क्या है थ्री, बी टू क्या है फोर, और सी टू क्या है माइनस के 20। तो अब हमें निकालना है ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, और सी वन अपॉन सी टू। तो ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू क्या है 1/3, बी वन अपॉन बी टू क्या है माइनस 2/4, सी वन अपॉन सी टू क्या है कि 0/20 यानी कि सिंपल जीरो ही, जीरो अपॉन माइनस 20 तो जीरो ही आएगा। तो यहां हमें पहले देखना है कि ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू
है या नहीं। अगर इक्वल है तो ही हम सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो यहीं पर ये इसकी, अगर ए वन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बी टू है तो हम सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू नहीं देखेंगे। तो ए वन अपॉन ए टू क्या 1/3, क्या -2/4 यानी कि -1/2 के इक्वल है? नहीं है। तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो हम सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू ही नहीं देखेंगे। तो ये क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन आएगा। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब सेम इसी तरीके से हम सेकंड जो यानी सेकंड इक्वेशन दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। तो ए वन अपॉन ए टू क्या है 2/4, बी वन अपॉन बी टू क्या है 3/6, और सी वन अपॉन सी टू क्या है -9/-18। तो 2 1 2 3 1 2, तो ये यहां से कंप्लीट आएगा। तीनों वैल्यू क्या आएंगे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू क्या है तीनों वैल्यू 1/2। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तभी हम सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू चेक करेंगे। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये क्या है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि क्या है इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे कोई एक या तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ऐसा नहीं है कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अभी थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन में क्या है a1 upon a2 की वैल्यू क्या है 1/2, b1 upon b2 की वैल्यू क्या है 2/4, c1 upon c2 की वैल्यू क्या है -4/12, 1/3 और ये 1/2। तो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, a1 upon a2 की वैल्यू क्या है 1/2 1/2 और c1 upon c2 की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये क्या होगा, ये होगा पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस, और इनका क्या होगा नो सॉल्यूशन। तो सिंपल इसमें ये तीन ही क्राइटेरिया आएंगे कि या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एक सॉल्यूशन इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन, या कोइंसिडेंट लाइन मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। तो सिंपल ये ही हमें इसके ग्राफिकल मेथड के रिप्रेजेंटेशन में करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। यहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन की क्लास फिनिश हो जाती है। उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।